सर बिजनेस कोई भी हो अगर ईमानदारी से किया जाए तो उससे बिजनेस से बेहतर तो कुछ अच्छा, इसमें सपना कितना होता है और हकीकत कितनी होती है? रियल इस्टेट में सपना बहुत दिखाते हैं, डेवलपिंग अट्रैक्शन का केंद्र है। अब क्या समझते हैं, क्या इससे कस्टमर अट्रैक्ट? कुछ प्लॉट तो ऐसा ही कि वैसा ही रह जाते हैं। अब क्या कितना परसेंट सच्चाई है? हमारा लगभग 50 प्लाट ऐसा बिक गया कि जिसके बारे में मुझे कोई बहुत जानकारी नहीं थी। हमने शुरू किया केवल लोग एक ग्रुप में डाल दिया था मैसेज। अवसर या फिर मौका, ये दो शब्द ना बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जीवन के लिए। जब भी आप कभी आपको अवसर मिले कुछ सीखने का, कुछ जानने का, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जाने और समझे। आज वही दिन आया है जहाँ आप जानने वाले हैं रियल इस्टेट बिजनेस के बारे में। अगर आपको रियल इस्टेट बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, कैसे काम करता है, जमीन कैसे खरीदी और बेची जाती है, रियल इस्टेट बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको जमीन खरीदना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, पहली बार ये सब चीज़ों में आ रहे हो, कुछ घंटा कुछ पता नहीं है, इंटरनेट पे ऐसे हिंदी में वीडियोस नहीं है, इंटरव्यूज नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बार मुझे भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं था, तो मैं बैठा ठीक है एक रियल इस्टेट एक्सपर्ट के साथ जो ऑलरेडी 10 सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर उनके साथ बैठा, चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और आज उसी का एक वीडियो, एक पॉडकास्ट बोल सकते हैं, एक इंटरव्यू बोल सकते हैं, जहां पे हम दोनों ने रियल इस्टेट बिजनेस के बारे में बात की है। बेसिकली मैंने उनसे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की है और इस वीडियो में वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि मुझे लॉन्च करना चाहिए था ये जल्दी वीडियो, थोड़ा लेट कर दिया, बट ठीक है मैं वो वीडियो क्लिप यूज करता हूँ। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखो, समझो रियल इस्टेट बिजनेस के बारे में। और दूसरी बात क्या है ना कि पहला यार इंटरव्यू था तो थोड़ी कमियां हो सकती हैं मेरे बोलने में, मेरे बैठने में, चीज़ों को समझने में, थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन लर्निंग्स काफ़ी मिलेगी, ये मैं दावे के साथ इस कह सकता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू, चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रत्नाकर मिश्रा है, हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, एड्स वगैरह का, ठीक है। और प्रोफेशनली ना मैं कोई रिपोर्टर हूँ, ना ही मेरा कोई न्यूज़ चैनल है, ना ही कोई मैं इंटरव्यू ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि फर्स्ट टाइम ऐसे एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पॉडकास्ट टाइप, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, सर के पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, 14 सालों का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और ख़ास करके रियल इस्टेट में तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे मन में प्रश्न है, वो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के मन में हो, और उसके बारे में हम डिटेल से बात कर पाएं। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग को समझेंगे कि आखिर रियल इस्टेट, क्योंकि मार्केटिंग ही है, तो सबसे पहले हम मार्केटिंग अगर कोई शुरू करना चाहता है या ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, उनके बारे में आप शुरू से बताइए। देखिए मार्केटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को एक जिस भी लाइन में हम जाते हैं काम करने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें रखनी चाहिए कि कौन सा हम काम कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, किस लाइन में हमारा इंटरेस्ट है, कौन सा काम करें जिसमें हमारी रुचि बनी रहे, तो हमें वही काम करना चाहिए। और खास तौर से हम रियल इस्टेट की ही बात करेंगे क्योंकि रियल इस्टेट से ही हम जुड़े हैं। रियल इस्टेट का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है सर। बिजनेस कोई भी हो अगर ईमानदारी से किया जाए तो उससे बिजनेस से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। नहीं, वो तो है। हमने एक अपना अनुभव बताएं कि हमने देखा कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति जहां तक अपने बिजनेस को अप करके ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, आने वाला जो हमारा जनरेशन होता है, जहां हम छोड़ते हैं वहां से वो आगे ले जाता है। नहीं, वो तो है ना, कि उसे फिर शुरू से मेहनत करनी पड़े, उसको एक प्लेटफार्म मिला रहता है और वहीं से ग्रोथ कर जाता है। और खास तौर से रियल इस्टेट में अगर आप अच्छे तरीके से, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ प्लाट खरीदने के लिए आ रहा है, उसे आप प्लाट भी पजेशन तुरंत दे दीजिए, डेवलपमेंट पूरा कर दीजिए। जैसे कि हमारी जो साइट चल रही है गोयल के जस्ट बगल में, अच्छा लखनऊ में, अभी हम लखनऊ में ही मैं आपको बता दूं, अभी हम लखनऊ में हैं और सर की जो साइट्स हैं वो लखनऊ में ही है और जो बिजनेस है वो लखनऊ में, ठीक है। तो अब आप बताइए, गोयल इंस्टीट्यूट BBD ये सब नियर बाई है अपनी जमीन से, मतलब सब प्रॉपर लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे है। जो एंट्रेंस रोड हमने बनाया 60 फीट का बनाया, 40 फीट का रोड है, 30 फीट का, 30 फीट से कम का कोई रोड नहीं है। रोड लाइट सीवर पूरी प्रॉपर व्यवस्था करके हमने दिया है, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं, लगभग 700-800 लोगों ने जमीन हमसे लिया। अच्छा,
अब 800 लोगों को जो हमने दिया, जो भी हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें हम डेवलप करके आपको देंगे, तो खैर हम प्लाट जब कटिंग करना शुरू करते हैं तभी से हमारा सारा काम शुरू हो जाता है। रोड का काम है, लाइट का काम है, सेवर का है, तो प्रॉपर वे में हम पूरा डेवलप करके दिए हैं। उसका एक प्रॉफिट हुई सर कि जैसे हम नई साइड एक ले आए हैं जो फैजाबाद रोड से सुल्तानपुर रोड की तरफ बढ़ेंगे किसान पथ पे, तो कह सकते हैं कि फैजाबाद रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी होती है और किसान पथ से 1400 मीटर की दूरी पे सतरिस रोड है। सतरिस रोड से बिल्कुल लगी हुई साइड है। तो वहाँ हमारा लगभग 50 प्लाट ऐसा बिक गया कि जिसके बारे में मुझे कोई बहुत जानकारी नहीं थी। हमने शुरू किया केवल लोग एक ग्रुप में डाल दिया था मैसेज कि एक नई साइड हम डाले हैं और यहाँ इस तरीके ऐसा है, तो वहाँ भी हमने रोड का काम शुरू कर दिया, डिवाइडर बन गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो भी प्लाट हम देते हैं सर, इमीडिएट तुरंत पोजीशन देते हैं। पोजीशन इन द सेंस आप गए हमारे यहाँ, पसंद आया कि ये प्लाट है और हमें ये प्लाट पसंद है, तो उस प्लाट के लिए आप तुरंत बाउंड्री वॉल पहले करा लीजिए, अपना नेम प्लेट लगा लीजिए, या अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ बना के हमें रहना है तो आप बनाना शुरू कर दीजिए मकान। उसके बाद आप पेपर लीजिए, चेक करवा लीजिए, पूरी संतुष्टि जब आपको हो जाए फिर हमसे आप जमीन लीजिए। और इसी बिहार पे हम आज तक जो भी प्लाट बेचे हैं यही लोगों से कहे भी हैं और लोगों को ऐसी व्यवस्था भी दिए हैं। देखिए, रियल एस्टेट में मैक्सिमम थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस है। कभी एक बार जमीन वगैरह खरीदना था तो मैं गया था कहीं पे, तो कुछ लोग तो ये बताते हैं कि नहीं भाई, लाइट मैं बाद में लगवाऊंगा और ये सब चीजें सपना दिखा देते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा, वहां ये हो जाएगा। तो आप जो सेंस में बता रहे हैं उसमें आपका मेन जो मकसद है कहने का कि आप जो साइट बिल्ड करते हैं वो पहले आप डेवलपिंग पे फोकस करते हैं, जी मतलब डेवलप पहले ही कर देंगे, पहले ही डेवलप कर देते हैं उसके बाद ही मतलब वो क्या क्या उसमें। डेवलपिंग अट्रैक्शन का केंद्र है। आप क्या समझते हैं, क्या इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं? देखिए कोई भी हम आप अगर ये तो इंडिया एक शॉर्ट हुआ ना जी देखिए डेवलपिंग। डेवलपिंग के पीछे वो फायदा है, अगर जब हम जमीन पूरा परचेस कर लिए हैं, कंपनी के नाम हमने जमीन ले लिया और हमें डेवलप करके देना ही है, तो क्यों ना पहले ही उसको डेवलप कर दें। और देखिए इसका एक फायदा भी मिलता है सर, आप कोई भी आपके यहाँ लेने आता है, रोड बना है, लाइट है, सीवर है, सारी व्यवस्था है, इमीडिएट आप कब्जा भी दे रहे हैं, तो उनको एक संतुष्टि अंदर से होती है, एक विश्वास अंदर से जगता है कि यार ये सही है, अच्छा है, लोकेशन है, यहाँ लेने लायक है। और सर जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी सामने साथ में रहती हाँ, है, वो तो तो है। रियल इस्टेट का बिजनेस है सर। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसे ले लिए, रजिस्ट्री तो कर दिए लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं दिया या डेवलप नहीं किया, साइट जिस हालत में थी उसी हालत में छोड़ के चले गए, तो इससे भी लोगों के अंदर एक डर बना रहता है कि हम ले रहे हैं इसका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये जो विचार लोगों के अंदर आए उससे पहले ही क्यों ना हम पूरा डेवलप करके दे दें, इसी कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर, बहुत बढ़िया है। लोकेशन भी बढ़िया है, लोकेशन पोजीशन है, तो कब्जा है, आपने तमाम आप लोग दिखाया मकान था देख रहे लोकेशन, वो हैं। जाए जी वो तो जी बहुत शानदार है। जी मतलब कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट में आपका जो काम है, जैसे आप क्या करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो जी आप उससे एक दावा ये भी करते हैं कि पहले आप बाउंड्री वॉल करा लो और वो बाउंड्री वॉल करा लो, वो सब देख लो, उसके बाद ही रजिस्ट्री कराओ। जी पोजीशन पहले दे देते हैं, हाँ मतलब पहले ही उसका फिक्स हो जाता है कि हाँ यही हमारा है, उसके बाद रजिस्ट्री। हाँ प्लाट फिक्स हो जाता है, हाँ बाउंड्री वॉल हो जाता है। हाँ बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो लगभग 7-8 मकान ऐसे भी बने हैं अपनी साइड में कि जो लोग अपना नींव वगैरह भरवा लिए, कंप्लीट करवा लिए, उसके बाद तब तो वो रजिस्ट्री कराए हमसे। तो सर जैसे हमें एग्जैक्ट वही पोजिशन उसी जगह पे हमें जमीन देना, वही प्लाट आपको देना है, तो दिक्कत किस बात की सर? कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आएगा और आपके यहाँ बाउंड्री करा लेगा तो जबरदस्ती आपसे प्लाट ले लेगा, ऐसा नहीं कोई करता है सर, नहीं वही तो, क्योंकि वो रजिस्ट्री कराएगा तभी रहेगा, तभी वो अपना मकान बनाएगा पूरा कंप्लीट। नहीं, ये तो है, जी ट्रस्ट के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर है। जी ट्रस्ट के लिए अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आते हैं जो हमें नहीं जानते हैं, हमारे बारे में कुछ भी उनको नहीं पता है, नहीं तो ऐसी कंडीशन में वो विश्वास कैसे करें कि हम नहीं वो पैसा तो दे दे रहे हैं, पैसा दे दे उसके बाद पता चला कि उनको सही जगह जमीन ना मिले या जहां कह रहे हैं वहां हम ना दें, पैसे तो हम ले रहे हैं तभी रजिस्ट्री कर रहे हैं, बिल्कुल तो उनको भी तो एक विश्वास होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल तो सही उस बात है। विश्वास को कायम रखने के लिए हमारे यहाँ एकदम सिस्टम है सर, जैसे आप हमारे यहाँ आएंगे कंफर्म करेंगे कि ये प्लाट है, तो इसके लिए आपसे
बार बार यही कहा जाता है कि सर पहले आप अपना बाउंड्री वॉल करा लीजिए, या जब तक आप बाउंड्री वॉल नहीं करा लेते हैं तब तक सर हम रजिस्ट्री के लिए नहीं जाते हैं आपके यहाँ। अच्छा, हाँ, मतलब रजिस्ट्री करने के पहले ही, रजिस्ट्री करवाने के पहले आपको बाउंड्री वॉल कराना पड़ेगा अपने प्लाट का। उससे सर एक फायदा ये भी होता है ना कि मार्केटिंग का कि अगला क्लाइंट आ रहा है तो उसे जी पहले ही दिखा देंगे कि जी देखो ये बाउंड्री वॉल हो चुकी बाउंड्री वॉल हो चुका है, नेम प्लेट आपका है। लगवा दिया जाता है, समझ आपका नाम लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर पड़ा है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो इससे बड़ा अच्छा ये गया। ये होता सब काम कोई एक्सपीरियंस आदमी ही कर सकता है। आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब जाने के लिए जगह नहीं है जमीन पे, और वहां भी सपने बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें सपना कितना होता है और हकीकत कितनी होती है? रियल इस्टेट में सपना बहुत दिखाते हैं लोग कि आगे 2-4 साल में पैसा डबल होने वाला है। ये क्या सही होता है, क्या सच में? और कुछ प्लॉट तो ऐसा ही कि वैसे ही रह जाते हैं। अब क्या कितना परसेंट सच्चाई है इसमें? देखिए सर, अगर जमीन लेते समय हम लोकेशन ठीक ठाक हो, हाँ। जहाँ हम जमीन परचेस कर रहे हैं वह लोकेशन अच्छा हो और फुल डेवलप हो, लोकेशन अच्छा हो डेवलप हो। जब डेवलप रहता है तो सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शहर से 2-4 किलोमीटर दूर भी अगर आपकी साइड है तो वहाँ भी अपना बनवा करके वो आना जाना पसंद करते हैं कि ठीक है हम अपने घर में हो जाएंगे, हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो जब मकान वहां बनना शुरू हो जाता है, 2-4 मकान बन गया, 10 बन गया, तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग ये इंतजार करते हैं कि यार कुछ मकान बन जाए तब हम जा करके वहां रहें। तो जब आपके यहाँ मकान बनना शुरू हो जाता है, कहीं की भी कोई जमीन हो सर डेवलपमेंट है और वहां लोग रहना शुरू कर दिए हों, तो नो डाउट 4 साल में अगर वो कम से कम डबल जाएगा। डबल जाएगा। हाँ डबल जाएगा, कम से कम डबल जाएगा। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि सर गोमती नगर में आप ले लिए और 4 साल में डबल हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि इसका ग्रोथ हो चुका है। ग्रोथ हाँ, हो चुका ऑलरेडी, तो और ऑलरेडी कितना ग्रोथ ही हो, ग्रोथ कितना होगा? ग्रोथ होगा। तो जहाँ बिल्कुल ये रहे कि जहां शहर शहर के, आने हाँ वाला हो। शहर के नियर बाई हो, अच्छा लोकेशन हो, एजुकेशन का हब हो, जैसे हमारी साइड है वहां से राम स्वरूप, इंजीनियर, और राम स्वरूप है आपका ग्लोबल, गोयल, आर्मियन ग्लोबल अच्छा स्कूल आरबीएन है। ग्लोबल हाँ स्कूल। आरबीएन ग्लोबल स्कूल है, गोयल के कैंपस में ही जयपुरिया है, जयपुरिया से आप आगे बढ़ते हैं सीपी मॉन्टेसरी स्कूल है, अच्छा। डीपीडी है। तो ये सारे बिल्कुल एक हब है, एजुकेशन का हब है सर। और उसी के नियर बाई आप देखेंगे तो कई मॉल वगैरह भी हैं, तो हर चीजें हमको पहले पहले से ही से ही मतलब अवेलेबल है, स्थित वहां है। मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों उन लोगों का पसंद हो जाता है कि यहाँ बहुत बढ़िया लोकेशन, यार यहाँ से किसान पथ भी सटा है, फैजाबाद रोड भी है, एजुकेशन के लिए भी हमें कहीं नहीं जाना है। और मोस्टली अगर बात किया जाए सर, शहर में गांव से लोग जो आते हैं तो जॉब के लिए तो आते ही हैं, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत है कि ज्यादा हाँ हमारे अलाउन करते। बच्चे, कि बच्चे अच्छी जगह पढ़ लें और अच्छा उनका वो चाहे, तो इसलिए वहाँ की बिक्री भी बहुत अच्छी रही है सर।